तर मी माननीय नितीन सिंग साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या या ठिकाणी कांशीराम साहेबांच्या जयंती निमित्त या ठिकाणी मार्गदर्शन करायचे. सर्वांनी टाळ्यांच्या गजरामध्ये तो स्वागत. बीएसएनएल ज्या नवीन घोषणा दिल्या म्हणजे जुन्या त्यांनी जे तो या जुन्या कार्यकर्त्यांना माहिती आहे तुम्ही सांगून घ्या. गली गली में एक किशोर, बीएसपी का झटका जोर. गली गली में एक किशोर, बीएसपी का बढ़ता जोर. बीएसपी आई है, बीएसपी आई है. तुम्हारा दूसरा नाम कांशीराम कांशीराम. बाबा तुम्हारा दूसरा नाम कांशीराम कांशीराम. जितनी संख्या भारी की जितनी संख्या भारी उसके उतनी भारी. गली गली में एक किशोर, बीएसपी का बढ़ता जोर. ब्राह्मणवाद धक्का है, धक्का मारो मौका है. बीजेपी कांग्रेस धक्का है, धक्का मारो मौका है. मनुवाद धक्का है, धक्का मारो. महाराष्ट्र प्रदेश में आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण दिन पर, बहुत ही विशेष दिन पर अपनी बात की शुरुआत करने से पहले सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, विशेष तौर पर महात्मा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, शिवाजी महाराज, नारायणन गुरु जी, रामास्वामी पेरियार जी, भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, बहुजनों के मसीहा माननीय कांशीराम साहब को नमन करते हुए आजाद भारत की सबसे न्यायप्रिय, सबसे लोकप्रिय, सबसे प्रभावशाली नेता परम आदरणीय बहन जी को अपना आदर्श मानकर आज आपके बीच में इस मौके पर मौजूद महाराष्ट्र प्रदेश के प्रदेश प्रभारी के तौर पर आपके बीच में उपस्थित डॉक्टर हुलगेश चलवादी जी, साथ ही साथ प्रदेश प्रभारी के रूप में, जोन प्रभारी के रूप में उपस्थित सुदीप गायकवाड़ जी, और हमारे बीच में महाराष्ट्र प्रदेश के पुणे जिले के जिलाध्यक्ष माननीय दिलीप कुसाले जी, जिला प्रभारी अशोक राव गायकवाड़ जी, जिला प्रभारी मोहम्मद शफी भाई जी, तुलसी नामबियार जी, बापू साहेब कुदले जी, एडवोकेट अतुल सोनवने जी, साथ ही साथ सूरज खैरकर जी, श्रीपति चौहान जी, वर्षाताई कदम जी, अनिल त्रिपाठी जी, सिद्धार्थ कामले जी, सुशील गवली जी, सम्मानित मंच, और विशेष तौर पर आभार व्यक्त करना चाहेंगे यहां पर मौजूद अपने मिशन मूवमेंट के लिए, अपने देश के लिए, हमेशा से अपने झंडे के लिए, अपनी पार्टी के लिए तैयार रहने वाले आप जैसे युवा कार्यकर्ताओं का, हमारी बहनों का, बुजुर्गों का, सभी वोटर सपोर्टर्स का मेरा नितिन सिंह की ओर से जय भीम। साथियों, बहुत विशेष मौका है, और इतना विशेष है कि अगर हमारे महापुरुष के तौर पर महामानव माननीय कांशीराम साहब, जिनकी हम 90वीं जयंती के मौके पर पुणे जिले में, एक वह जिला जहां से उनकी एक सामाजिक और राजनीतिक
शुरुआत कह सकते हैं और संघर्ष कह सकते हैं इस जिले से जो उनका नाता जुड़ा है। ऐसे जिले में आज उनकी 90वीं बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले हम जयंती बना रहे हैं और हमारे बीच में जो लोग मौजूद हैं मैं उनसे यह बात कहना चाहता हूं कि यह मौका इसलिए और उसे अलग है क्योंकि आज जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देखा कि अभी हम यहां पर मौजूद हमारे बीच में जिनको डोज माननीय साहब ने दी थी आज तक उस डोज को बरकरार रखा है उसका जो एक असर है वो आज तक यहां मौजूद मिशन के साथियों में देखने को मिला और ऐसे नारों को यहां पर लगाया गया जो माननीय साहब साइंटिस्ट थे और मैं समझता हूं इस देश में बहुजन समाज को इस देश में देश के दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक समाज अर्थात बहुजन समाज की जो इस देश में खोज करता रहे जिन्होंने खोज करी ऐसे वैज्ञानिक के तौर पर भी माननीय कांशीराम साहब को हम मानते हैं। तो हमारे बीच में वो कैडर मौजूद आज रहा जिनको सामाजिक या राजनीतिक चेतना असल मायनों में माननीय साहब ने दी। सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने देखा कि आज देश में देश के कोने कोने में बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और बहुजनों के मसीहा को याद करते हुए उनकी जयंती मनाई जा रही है और पूरे विश्व में जो लोग माननीय साहब को मानने वाले लोग हैं उनके अनुयायी हैं वो जहां भी विश्व में मौजूद हैं उन्होंने उन्हें आज याद करते हुए आज वो भावुक भी होंगे याद भी कर रहे होंगे और उन्हीं से उम्मीद लिए हैं उन्हीं का हौसला है क्योंकि जो मिला उनसे मिला और उसी तौर पर महापुरुषों को याद किया जाता है और महापुरुष किसी सीमा में किसी जाति में किसी धर्म में किसी लिंग में किसी भाषा में नहीं बंधे होते और इसका जीता जागता उदाहरण हमारे महापुरुष के तौर पर माननीय कांशीराम साहब। मेरे बारे में बताया गया कि मैं उत्तर प्रदेश से आया हालांकि और गहराई से बताया गया कि मेरठ से आया लेकिन मेरा यह मानना है मैं अपने महाराष्ट्र प्रदेश में आया हूं और महाराष्ट्र प्रदेश जो हमारा प्रदेश है वो भारत का ही एक प्रदेश है और माननीय साहब ने बाबा साहब की तरह ना जाति और ना धर्म और ना लिंग के आधार पर भेदभाव रखते हुए पूरे भारत देश के निर्माण के लिए पूरे भारत देश के बहुजन समाज के लिए जो किया वो किसी भाषा या वर्ग या जाति या धर्म विशेष में नहीं बढ़ सकता। साथियों ऐसे हमारे माननीय कांशीराम साहब हैं जिन्हें हम आज याद कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आज माननीय साहब की जयंती वो भी मना रहे हैं जिन्होंने माननीय साहब को कभी ना जानने की कोशिश करी और जान तो वो पा रहे थे कि वो किसके हक के अधिकार और लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं लेकिन वो उसे मान नहीं सकते थे क्योंकि जो जीन्स होते हैं वो सब में एक अलग तरह के होते हैं। अगर आप शेर से कहने लग जाओ कि वो घास खाने लग जाए तो एक विपरीत परिस्थिति होती है और अगर आप किसी भेड़ से कहने लग जाओ कि वो गाय से कहने लग जाओ कि वो मांस खाने लगे तो यह विपरीत परिस्थिति होती है। आज की परिस्थिति में भी ऐसा नहीं है कि लोगों को प्रसिद्धि नहीं मिल रही है। वर्तमान परिस्थिति में भी इस देश में जो केंद्र सरकार में प्रधान के तौर पर हमारे देश में है उनको भी प्रसिद्धि मिल रही है लेकिन उस प्रसिद्धि में इस बात का फर्क है कि माननीय साहब ने इस देश में एक ऐसे वर्ग को जो बहुजन समाज उन्होंने बनाना चाहा तो उनकी प्रवृत्ति में यह फर्क था कि उनकी प्रसिद्धि उनको उठाने के लिए हुई और वर्तमान जो परिस्थिति है जो पूर्व में भी पूंजीवादी व्यवस्था को बचाने बनाने के लिए ऐसे लोग इस देश में रहे हैं जिनकी इस देश में प्रसिद्धि हुई लेकिन किसी को और इतने बड़े खासकर वर्ग को और इतने बड़े भारत देश के अंग को दबाने के लिए हुई। यह फर्क है
किसी की प्रसिद्धि में। लेकिन जिन लोगों ने आज जयंती मनाई उनमें बहुजन समाज पार्टी, तो वो पार्टी है जिसके लिए ये मात्र एक प्रोग्राम नहीं है। ये मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने आज इस मौके पर अपने कैडर को और अपने कार्यकर्ताओं वोटर सपोर्टर्स को आमंत्रित किया। लेकिन फर्क इस बात का है कि ना मैं वक्ता हूं और ना मेरे सामने बैठे जो लोग हैं वो श्रोता हैं। और इस बात का फर्क इस बात से है कि देश में बाबा साहब को जानने वाले लोग किसी भी पुण्यतिथि या जयंती के मौके पर प्रोग्राम आयोजित करते हैं और उनको इवेंट की तरह मनाते हैं। माननीय साहब के लिए भी जो जयंती आज मनाई गई उसमें जो बसपा का कैडर है, बहुजन समाज पार्टी का कैडर है, और वो पार्टी जिसका गठन आदरणीय बहन जी और उनके गुरु माननीय कांशीराम साहब ने किया था, उनको आज बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले जो लोग याद कर रहे हैं वह इस तरह याद कर रहे हैं कि हम आज यहां पर मौजूद हुए हैं तो यह सोचे कि हम अभी कहां तक पहुंचे हैं। हम सोचे और हम यह चिंतन करें कि हम माननीय साहब को जानते तो हैं लेकिन आज हम उन्हें कितना मानते हैं। और जानने की परिस्थिति तो यह है, जब मैं महाराष्ट्र में आता हूं और अपने महाराष्ट्र प्रदेश को देखता हूं तो एक तरफ खुशी होती है कि यहां पर लोग इतना जानते हैं, जैसे पूर्व में भी वक्ताओं ने अपनी बातें बताई तो पता चलता है कि कितना ज्यादा अपने महापुरुषों से उनकी कनेक्टिविटी है, कितना ज्यादा व्यवहारिक तौर पर और वैचारिक तौर पर यह लोग अपने महापुरुषों से जुड़े हुए हैं। उन्हीं में से माननीय साहब भी हैं। लेकिन वैचारिक होना और व्यवहारिक होने में बहुत बड़ा अंतर है। वैचारिक होना किसी भी चीज को जानना है, और अगर विचारों से ही काम चल जाता तो इस देश में इतने प्रोफेसर हैं, इतने डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं कि किसी बात की कोई चिंता नहीं होती। और इस देश में किसी का राज होता, जो सत्ता परिवर्तन की बात हमारे महापुरुषों ने सामाजिक परिवर्तन को लेकर करी, आज सामाजिक परिवर्तन हो गया होता। यह बात वैचारिक है। और मैं जानता हूं कि महाराष्ट्र प्रदेश में अगर मैं अपनी बात रख रहा हूं तो यह देश की वैचारिक राजधानी है, यह बहुजन समाज की वैचारिक राजधानी है। यहां पर आकर पता चलता है कि अगर कोई पत्थर भी किसी पे फेंक दो तो वह किसी डॉक्टर, इंजीनियर या किसी इंटेलेक्ट बंदे पे गिरता है। और असल मायनों में जो देश के पिछड़े वर्ग के लोग हैं और उसमें भी विशेषकर दलित समाज जो महाराष्ट्र प्रदेश में है, उसमें यह बात की कोई कमी नहीं है कि लिटरेसी रेट के तौर पर वह लोग इतने पढ़े लिखे या इतने लिटरेट नहीं है कि वह अपने अधिकार को या अपने पास्ट को नहीं जानते हो। यहां लोग, मैं समझता हूं, हिस्टोरिक फैक्ट्स एंड डेट्स के आधार पर बहुत सारा लिटरेचर जानते हैं और सभी महापुरुषों की एक बायोग्राफी जो है वो अच्छे से जानते हैं, पूरा डीपली जानते हैं। लेकिन यह बात सिर्फ वैचारिक तौर पर होती है। मैंने आपके बीच में वैचारिक राजधानी कहा और उसमें कुछ अधूरी बात इसलिए रह जाती है क्योंकि वैचारिक राजधानी जरूर है। और ये बात की खुशी होती है कितने लोग वैचारिक हो गए हैं। जब माननीय साहब संघर्ष कर रहे थे तब की भी परिस्थिति कुछ और थी, और जब आप ही के बीच के बाबा साहेब अम्बेडकर संघर्ष कर रहे थे तब इतनी वैचारिक स्थिति भी इतनी ज्यादा मजबूत नहीं थी। लेकिन अधूरी, ये सारा हौसला देने वाली बात है, लेकिन अधूरापन और एक मायूसी इस बात से होती है कि हम वैचारिक तो बने लेकिन व्यवहारिकता के तौर पर जब मैं देखता हूं तो पूरे महाराष्ट्र प्रदेश में सड़कों पर निकलते हुए, आज तो जब आ रहे थे आप लोगों के माध्यम से बीएसपी के झंडे लगाए गए और माननीय साहब का इतना अच्छा आयोजन आपने किया जयंती के मौके पर, और पूरे महाराष्ट्र प्रदेश में अशोक चिन्ह के तौर पर, बाबा साहेब अंबेडकर के चित्रों के तौर पर और हमारे सभी महापुरुषों के तौर पर जगह जगह चौराहे हैं और जगह जगह उनकी स्टेच्यूज हैं। लेकिन दर्द तब होता है कि, और ऐसा मौके आते हैं पुण्यतिथि के मौके पर या जयंती के मौके पर
अभी तो अप्रैल महीना शुरू होने वाला है और अप्रैल महीने को कहा जाता है महापुरुषों का महीना। मार्च महापुरुषों के महीना, अप्रैल महीना, दो तीन महीने ऐसे होते हैं जिसमें महापुरुषों के तौर पर हम उन्हें याद करते हैं, उन महीनों को हम मनाते हैं याद करते हुए। लेकिन दुख तब होता है जब सड़क पर जगह जगह जय भीम होती है, माननीय कांशीराम साहब जिंदाबाद होती है, बाबा साहेब अम्बेडकर जिंदाबाद होती है, महात्मा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, अन्ना भाऊ साठे और हमारे और भी महापुरुष रामास्वामी पेरियार जी, सभी लोगों की एक सिंबॉलिक जो हमारा नारा है वो सभी का अभिवादन हम जय भीम के तौर पर करते हैं। और जब हम जय भीम करते हैं तो उसमें सभी का एक मिश्रण होता है और वो कहीं ना कहीं एक ऐसा नारा है जो किसी भी प्रदेश को, किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को किसके आधार पर जोड़ता है, उसके मर्ज के आधार पर, उसके दर्द के आधार पर, उसके जोश के आधार पर, उसके हौसले के आधार पर। और वह किसी भी स्थिति में अपने आप को बंधा महसूस नहीं करता, वह इस देश के भारत नागरिक होने के आधार पर अपने आप को बंधा महसूस करता है, क्योंकि माननीय साहब और बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो जाति और धर्म के आधार पर बिखरे हुए लोग थे उन्हें इस बहुजन रूपी माला में पिरोकर उन्हें एकजुट किया था। और जब जय भीम हम बोलते हैं तो यकीनन हर कुर्मी समाज का, माली समाज का, धनगढ़ समाज का, कुम्हार, तेली, धानुक, भीमर, चमार, महार, सभी वर्ग का मिश्रण और यहां तक कि अल्पसंख्यक समाज के लोग भी उसमें उसमें मिल जाते हैं। और तभी यह नारा निकलता है कि जय भीम, जय भीम, जय भीम। और यह स्थिति सामाजिक एकजुटता का यह एक नारा है जिसमें जय भीम के तौर पर उनको जोड़ा जाता है। जय भीम का नारा गूंजेगा देश के कोने कोने में, जय भीम का नारा गूंजेगा देश के कोने कोने में। तो इस नारे से सभी लोग जुड़ जाते हैं, पूरा देश जुड़ता है। इसलिए मेरा यह मानना है कि किसी भी वर्ग, किसी भी जाति से हो, लेकिन हम जब जय भीम करते हैं तो आप तो यहां मैं समझता हूं लगभग सभी लोग हिंदी जानते होंगे, लेकिन अगर अपनी भावना से कोई जय भीम कन्नड़ में भी कह दे, तमिल में भी कह दे, तेलुगु में भी कह दे, हिंदी में भी कह दे, उर्दू में भी कह दे, किसी भी वर्ग के सामने कह दे, जाति के सामने कह दे, धर्म के सामने कह दे, प्रदेश के सामने कह दे, उम्र के सामने कह दे, लिंग के सामने कह दे, एक बार अगर दिल से जय भीम कह दे तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जय भीम के बहुजन समाज के लोग। और राजनीतिक तौर पर इस नारे ने अगर राजनीतिक सफलता पाई है और राजनीतिक सत्ता परिवर्तन किया है तो बहुजन समाज पार्टी के नाम पर किया है और इसी नारे से निकली हुई एक पार्टी है और उस पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी। और हम माननीय साहब की बनाई गई उस पार्टी के अनुयायी हैं, उसके कार्यकर्ता हैं और उसके वोटर सपोर्टर हैं। उन्होंने हमें याद दिलाया था कि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। और उन्हीं के हौसले और ताकत की बदौलत हम आज महाराष्ट्र प्रदेश के पुणे जिले में कह सकते हैं, गौरव से कह सकते हैं, मैं कार्यकर्ता अनुयायी के रूप में यहाँ पे बोल रहा हूँ। और मैं जानता हूँ, मुझे फख्र होता है, मैं आपको बाबा साहब, माननीय साहब, बहन जी से जोड़ते हुए बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, वोटर, सपोर्टर के तौर पर इसलिए जोड़ता हूं कि बिना बहुजन समाज के, बिना बहुजन समाज पार्टी के ये सारी कड़ी जो है ये अधूरी हो जाती है। क्योंकि जब तक आपको सच बात पता चले कि बाबा साहब कौन थे, आपको यह पता चले कि फूले जी कौन थे, आपको यह पता चले कि शाहू महाराज कौन थे, आपको यह पता चले कि अन्ना भाव साठे और नारायणन गुरु और रामास्वामी पेरियार जी कौन थे, माननीय साहब कौन थे, आदरणीय बहन जी कौन है, यह पता चले। लेकिन फर्क इस बात का है कि सब कुछ अधूरा है अगर बहुजन समाज पार्टी इस देश में सत्ता परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तन की पटकथा
आप जैसे देश के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, इस देश के बहुजन समाज के लोग, इस देश के भारत देश बनाने की चाह रखने वाले मानवतावादी लोग, सर्वजन समाज के वह लोग जो बहुजन समाज पार्टी का नारा लगाते हैं, तब तक अधूरा हो जाता है जब तक हम बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद नहीं बोलते। इसलिए मैं जब भी यहां बोलता हूं कि बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, तो मैं देख के अचंभित हो जाता हूं कि वह राष्ट्रीय पार्टी जिसके लोग आज भी आर्थिक परिस्थिति में बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, जिसके लोग आज भी शैक्षिक परिस्थिति में बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। हम यह जानते हैं कि देश के उद्योगपतियों के तौर पर अगर देश के 1,000, 5,000 यहां तक कि 10,000 नाम भी हो तो उसमें दलित समाज का नाम नहीं आएगा। इस देश में देश के बेहतरीन, सबसे ज्यादा संपत्ति वाले उद्योगपति की टक्कर आप नहीं ले सकते। इस देश में सबसे ज्यादा वर्तमान परिस्थिति में पद प्रतिष्ठा पाने वाले लोगों की बराबरी आज भी आप नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस देश में आर्थिक स्थिति से कमजोर होते हुए भी अगर आप किसी की टक्कर कर रहे हैं तो उन लोगों की टक्कर ले रहे हैं जो इस देश में 2,00,000-5,00,000 करोड़ की संपत्ति वाले लोग हैं और फर्स्ट में लोग हैं। सेकंड का तो किसी देश में कितनी संपत्ति है किसी को नहीं पता। कितना अचंभित करने वाली बात है कि बहुजन समाज पार्टी ने थोड़े थोड़े सहयोग से आज उनकी टक्कर इन बहुजनवादियों को, अंबेडकरवादियों को करवा दी, जो पूंजीपति या पूंजीवादी लोग बाबा साहेब से टक्कर लेते थे, मान्यवर साहब को रोकते थे और वर्तमान परिस्थिति में आज बहन जी को रोक रहे हैं। अभी एक यहां पर हमारे बीच में हमारे कैडर मौजूद थे, उनके बारे में बताया गया कि उन्होंने मान्यवर साहब के साथ मिलते हुए वॉल पेंटिंग की है। यकीनन वॉल पेंटिंग में उन्होंने बहुजनों को जगाया होगा, हाथी को बनाया होगा, बहुजन समाज पार्टी का प्रचार प्रसार किया होगा दीवारों के माध्यम से। उन्हें रटा होगा कि कहां मैं नाक की शुरुआत करूंगा और कहां मैं पूंछ की शुरुआत करूंगा, इस तरह से वो अपना सिंबल बनाते होंगे, बहुजन समाज पार्टी लिखते होंगे। असल मायनों में वो उस समय में 70 के दशक की बात होगी जब वो जुड़े होंगे, और उस दशक में 80 के दशक में 80 के दौर में बहुजन समाज पार्टी का सिंबल नहीं बना रहे थे, बहुजन समाज पार्टी को दीवारों पर नहीं बना रहे थे। असल मायनों में वे उस बहुजन समाज पार्टी को बना रहे थे जिसके तौर पर आज इस बैनर के तले उस बहुजन समाज पार्टी के कैडरों ने उन्हें सम्मानित किया है। यही ताकत है बहुजन समाज पार्टी की। देश में जिनकी जन्म जयंती आज हम मना रहे हैं मान्यवर साहब की, मान्यवर साहब एक ऐसी कड़ी हैं जिनके बिना बाबा साहब अधूरे हैं और जिनके बिना आदरणीय बहन जी अधूरी हैं, जिनके बिना संविधान अधूरा है और जिनके बिना बहुजन समाज पार्टी और राजनीतिक सफर और सत्ता के बलबूते पर सत्ता परिवर्तन अधूरा है। मान्यवर साहब ऐसे हमारे महापुरुष हैं, ऐसे शख्सियत हैं। जब हम मान्यवर साहब को मानते हैं तो असल मायनों में उनको मानने का मतलब है बाबा साहब द्वारा दिए गए संविधान को मानना, और शुरुआत बाबा साहब से ही करते हैं क्योंकि असल मायनों में भारत देश के राजनीतिक इतिहास में दो घटनाएं इस देश में सबसे अलग हैं। भारत देश के पुराने इतिहास में क्या हुआ ये आप बखूबी जानते हैं, मैं ज्यादा अंदर में अंतर उसके नहीं अंदर नहीं जाऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा, थोड़ा सा आपके बीच में समय लेना चाहूंगा। पौराणिक इतिहास जो रहा, जो एंशियंट हिस्ट्री रही, आप भलीभांति जानते होंगे। शोषण रहा, इतना ज्यादा आपको शोषित करा गया, जो मूल निवासी थे उस पर भी मैं नहीं जाना चाहूंगा, उन्हें किस तरह प्रताड़ित किया गया और उन्हीं के देश में उनको क्या क्या कठिनाइयां सहनी पड़ी। लेकिन आजाद भारत के बाद या भारत देश के राजनीतिक इतिहास में पहली घटना इस भारत देश में सबसे महत्वपूर्ण यह है जिसमें
भारत देश के आम जनमानस को, आम आदमी को सबसे ज्यादा बदलाव की स्थिति में लाया गया, सबसे ज्यादा परिवर्तन अगर उसकी जिंदगी में हुआ तो वो पहली घटना थी इस भारत देश की। इस भारत देश में बाबा साहेब परम पूज्य डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी द्वारा दिया गया संविधान इस देश के राजनीतिक और इस देश के इतिहास में पहली वो घटना थी जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी। उस संविधान के बलबूते पर अगर किसी को कुछ मिला तो असल मायने में इस देश में जो बिल्कुल कमजोर जाति से हो, वर्ग से हो, आर्थिक स्थिति से हो, धर्म से हो, या किसी भी परिस्थिति में वो बिल्कुल निचली श्रेणी में आता हो, डायरेक्ट संविधान के जितने राइट्स हैं, अधिकार हैं, वो उसको मिले। इसलिए सबसे ज्यादा जो फ्रूटफुल या फलदायी घटना इस देश में हुई जिससे आम जनता जुड़ी, वह संविधान रहा। उस संविधान के बलबूते पर इस देश की दूसरी सबसे बड़ी घटना जो पुणे से शुरू हुई और पुणे में माननीय साहब आपके इस जिले में रहे, महाराष्ट्र प्रदेश में रहे, हालांकि 71 में वो यहां से महाराष्ट्र प्रदेश से गए और पूरे देश में वह हर जगह उन्होंने प्रयास किया बहुजनों को उठाने का, इस भारत देश को बनाने का। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी घटना यह है कि भारत देश में जिसमें 90% से ज्यादा लोग किसी ना किसी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार थे, और वो डिस्क्रिमिनेशन कुछ और नहीं, लिंग के नाम पर जो हमारे बीच में हमारी बहना बैठे हैं इनके हक अधिकार के नाम पर था और जाति के नाम पर था। और उस डिस्क्रिमिनेशन को मिटाने के लिए जो इस देश में गरीबों के लिए और उन गरीबों में जो देश के दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज के लोग हैं, उनको इस देश की सबसे बड़ी पार्टी देने वाले माननीय कांशीराम साहब को नमन करते हैं। वह देश की दूसरी सबसे बड़ी चमत्कारिक घटना थी, मिरेकुलस मोमेंट था जब उन्होंने 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। साथियों, आज उसी बैनर तले आज हम उनको याद कर रहे हैं। दो घटनाएं जिनसे आम जनमानस जुड़ा, और उसके बाद की परिस्थिति जब शुरू होती है तो मैं यह कहता हूं कि बाबा साहब को अगर आप मानते हैं, बाबा साहब को मानने का मतलब है संविधान को मानना, और संविधान में जो संघर्ष के माध्यम से उन्होंने संविधान दिया उसके हक अधिकारों को जानना, समझना, उन्हें मानना, ये बाबा साहब को मानने का, जानने का नहीं मानने का वो है। अगर आप अपने संवैधानिक हक अधिकार को जानते हैं तो आप बाबा साहब को जानते हैं। माननीय साहब को जानने या मानने का इस अगली कड़ी में हम उसे तब कहते हैं कि माननीय साहब को मानने का मतलब है संविधान के बलबूते जो राजनीतिक ताकत बनती है, संविधान के बलबूते में जो राजनीतिक ताकत बनी उसको जानना और उस पर काम करना, उस पर संघर्ष करना, यह अगली कड़ी है जब आप बाबा साहब को मानते हुए माननीय साहब पर आ जाते हैं। हमारे लिए सभी महापुरुष जो हैं वो हमारे लिए सब कुछ हैं, लेकिन यह विशेष योगदान है संवैधानिक प्रक्रिया में जो इन महापुरुषों की बदौलत मिला। बाबा साहब की कड़ी जुड़ी है माननीय साहब से, माननीय साहब पे आते हैं अपने राजनीतिक ताकत को मानना, और उसके बाद कड़ी किसकी जुड़ती है, आदरणीय बहन जी की। बहन जी तक पहुंचने का मतलब है राजनीतिक सत्ता का उपयोग करके सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाना, यह आदरणीय बहन जी को मानने वाली कड़ी है। आदरणीय बहन जी को मानने का मतलब है राजनीतिक जो सत्ता आपने प्राप्त की है उसके बलबूते पर देश में सामाजिक परिवर्तन करने का मतलब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मानना है। और जब आप इतना मान जाते हैं तब आप वापस बाबा साहेब अंबेडकर पर आ जाते हैं,
और यह फर्क है वैचारिक होने पे और व्यवहारिक होने पर। आप असल मायनों में बाबा साहब अंबेडकर को तब मानते हैं जब आप बहुजन समाज पार्टी का वो दिन आता है जिसमें चुनाव प्रक्रिया होती है और उस चुनाव में जाकर आप अपना वोट कास्ट कर देते हैं। असल मायनों में आप बाबा साहेब अम्बेडकर, माननीय कांशीराम साहब, आदरणीय बहन जी और सभी महापुरुषों के संघर्षों को तब मानने रहे होते हैं। यह बात मैंने आपको इसलिए बताई, आपके महाराष्ट्र प्रदेश में तमाम इवेंट होते होंगे जो नीले झंडे पे होते होंगे, अशोक चिन्ह पे होते होंगे, जय भीम के नारे के साथ होते होंगे, न जाने कितने वादे करते हुए कितने जुझारू नेता आए, कितने वोकल नेता आए, कितने इंटेलेक्ट्स आए, कितने सांसद आए, विधायक आए, मंत्री आए, लेकिन नहीं आई तो इस महाराष्ट्र प्रदेश में सत्ता नहीं आई और उससे आप अछूते रहे। और यही बात हम लोगों को थोड़ा सा मायूस कर देती है कि भले ही मैं कहता हूं, भले ही मान लीजिए आप अगर हमें कहें कि ये बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, यह बात मैं महाराष्ट्र प्रदेश के हर आम नागरिक के लिए कह रहा हूं कि अगर वो हमारी बात नहीं भी मानते तो वह ये काम कर देते कि कोई ऐसी पार्टी खड़ी कर देते जो आंखों में आंख डालकर कह देती और जिसका मजाक सदन में नहीं उड़ाया जाता, जिनको किसी पे पिछलग्गू होने की जरूरत नहीं पड़ती, जिनको किसी के केंद्रीय सत्ता के लालच रहने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसको किसी के विधायक या सांसद बनने के लिए किसी से अलायंस करने की, छोड़ो किसी के मंत्री पद के लालच देने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर ऐसी पार्टी भी बना देते तो आदरणीय बहन जी जो माननीय साहब की शिष्या रही उनका दिल बहुत बड़ा है और वो बहुजन समाज को जिस दिशा में और उनकी दशा सुधारने के लिए पूरा जीवन समर्पित कर चुकी हैं, उन्होंने सही सही समय आने पर उन्होंने किसी पाबंदी में नहीं रही हैं। अगर बात इस देश में किसी भी मौके पर आई, एक मौका तब आया जब दलित समाज के रूप में आदरणीय बहन जी के सामने एक ऐसी राजनीति को जन्म दिया गया जिसमें राष्ट्रपति के नाम पर दलित समाज की एक नेता का नाम आया। यह मैं फर्क बता रहा हूं कि एक्सेप्टेंस अगर वो सरकार महाराष्ट्र प्रदेश में होती जो इनके हक अधिकारों के लिए लड़ती तो भी आदरणीय बहन जी और बीएसपी को कोई एतराज नहीं होता, होती तो सही, क्योंकि उसका एक उदाहरण है जब दलित वर्ग से आने वाली एक महिला को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया तो आदरणीय बहन जी ने यह देखते हुए कि वो वर्ग से आती हैं कोई बात नहीं, उनका उस उम्मीदवारी का उन्होंने स्वागत किया, उनका विरोध नहीं किया, एक्सेप्ट किया उम्मीदवारी को क्योंकि वह दलित वर्ग से आती थी भले ही किसी भी पार्टी से। वर्तमान परिस्थिति में आदिवासी समाज से आने वाली फिर एक महिला को उम्मीदवार बनाया गया और आदरणीय बहन जी ने फिर पार्टी पॉलिटिक्स से अलग हटते हुए उस उम्मीदवारी को स्वीकार किया, उसका विरोध नहीं किया क्योंकि वो ऐसे वर्ग से आती। अगर ऐसे वर्ग से महाराष्ट्र प्रदेश में कोई पार्टी आती उस बात को समझिएगा तो हम उसका विरोध नहीं करते। आती अब कैसे आती, जिस महाराष्ट्र प्रदेश में फूले शाह अंबेडकर जी की कर्म भूमि और यहां पर उनकी हर तरह से वो यहां पर रहे, यहीं पैदा हुए, यहीं संघर्ष और उन्होंने पूरे विश्व में उनको जाना जाता है, पूरे देश में संघर्ष करा, जन्मभूमि कर्म भूमि यही रही, अगर यहां का कोई ऐसी पार्टी होती तो उसकी स्वीकार्यता थी, यकीनन स्वीकार्यता होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दौर आया आजाद भारत के बाद, तमाम पार्टियां बनी, एक यहां की पार्टी को भी माननीय साहब ने, आप भली भांति जानते हैं कि उनको इसको इसलिए रिजेक्ट करा कि वहां पर स्वाभिमान लाए कुछ परिस्थिति नहीं बची थी, इसलिए उन्होंने नई पार्टी का गठन किया आपकी बहुजन समाज पार्टी का। तमाम पार्टियां आई, तमाम लोग आए, लेकिन हुआ क्या, जब सरकारें आई वो एलायंस का सिर्फ एक मंत्री पद लेकर रह गए। अब मैं आपको ये फर्क बताता हूं कि उनकी लड़ाई किस बात की थी, मंत्री पद लेने की, सांसद बनने की, विधायक बनने की, और आदरणीय बहन जी
मैं समझता हूं 2018 में 17 जुलाई शायद, मैं थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है डेट में, लेकिन 17 जुलाई 2018 को आदरणीय बहन जी ने देश का सर्वोच्च सदन छोड़ा, जिसकी लड़ाई दूसरे लोग लड़ते हैं उसे आदरणीय बहन जी ने छोड़ा, और यह कहते हुए छोड़ा कि वह देश में जो उत्तर प्रदेश में एक कांड हुआ था, दलितों के घर जलाए गए थे, उन्हें मारा काटा गया था, उस टॉपिक को उस बात को संसद में रख रही थी, और संसद में जब वो उस बात को रख रही थी तो उन्हें टाइम की पाबंदी दी जा रही थी, उन्हें हूटिंग करके रोका जा रहा था, तो आदरणीय बहन जी ने कहा अगर मैं अपने समाज की बात इस सदन में नहीं रख सकती तो ऐसे सदन में रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। आदरणीय बहन जी ने वो सदन छोड़ा, और आज भी हम उस पल का इंतजार करते हैं कि कब हमारी आदरणीय बहन जी, कब बहुजन समाज पार्टी उस सदन में जाए, और इनको, और हम यह भी मानते हैं कि जिस दिन आदरणीय बहन जी सदन में जाएंगी तो वर्तमान की केंद्र सरकार जो इतना उत्पीड़न कर रही है यकीनन वो बाहर होगी, बाहर होगी, उसके नेता बाहर होंगे, क्योंकि आदरणीय बहन जी का एक स्वभाव है, और वो स्वभाव है स्वाभिमान का स्वभाव। उन्होंने कभी भी कुछ भी किया लेकिन कभी इन गरीबों का स्वाभिमान डगमगाने नहीं दिया, हमेशा इनके स्वाभिमान को लेकर उनका स्वभाव ऐसा रहा कि अडिग रही आदरणीय बहन जी, क्योंकि शिष्या मान्यवर कांचीराम साहब की थी। ऐसा मान्यवर साहब के साथ भी हुआ, और जब मान्यवर साहब को सदन में बोलते हुए रोका तो मान्यवर साहब ने भी छोड़ते हुए कहा अब ये बात मैं सड़क पे करूंगा, अब ये बात मैं यही खत्म करता हूं, इस बात को मैं सड़क पे कहूंगा, हम ये बात नहीं बोलते, मत सुनो, हम उनको ये बात सुनाएंगे जिनके बलबूते पर इस सदन में सबसे ज्यादा मेंबर होंगे, और तब हमारे मेंबर इस सदन में मौजूद होंगे तो आपकी स्थिति हूटिंग करने लायक नहीं बचेगी। ऐसा मान्यवर साहब के साथ भी वाक्य आया था। इन मौकों पर जो हुआ उसमें स्वाभिमान दिखता है, और अन्य मौके पर जब केंद्रीय पद बढ़ते हैं और वो लोग मंत्री बनते हैं और फिर मंत्री बन के सरकार चली जाती है, सरकार दूसरी आती है, दूसरी सरकार में नया नेता आता है, नया झंडा लेके आता है, और ऐसे लोगों को आपका सिंबल के तौर पर दिखाया जाता है, जैसे बताया कि उन पर लोग हंसते हैं। अरे आप उस वर्ग से आते हैं जिस पर लोग हंसते हैं, आप उस वर्ग से आते हैं जिनकी आदरणीय नेता उस दशक में कहती हैं, अपने संसद भवन में कह रही होती हैं कि हमारे लिए जितनी ये पार्टियां हैं, विशेष तौर पर जो देश की, भारत देश की जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, विशेषकर कांग्रेस या बीजेपी, उनके लिए उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया कि एक पार्टी हमारे लिए सांपनाथ है, एक पार्टी हमारे लिए राजनाथ है, वो सांपनाथ है, एक नागनाथ है, ऐसा उन्होंने सदन में कहा। और तब कहा जब इन दोनों पार्टियों के पूरे कभी इधर और कभी इधर हो रहा था, और आज की परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है। आज आप तब की स्थिति देखिए स्वभाव की, कि उन्होंने एक को नागनाथ एक को सांपनाथ कहा, आज की परिस्थिति देखिए, आपको डराया जा रहा है मंदिर के पास हो। 2014 के बाद से जो राजनीतिक, शैक्षिक, सामाजिक चेतना बहुजन समाज में आई है वो 2014 से पहले नहीं थी साथियों। आज की परिस्थिति में उस चेतना को भांपते हुए आदरणीय बहन जी इस देश की सबसे ज्यादा एक्सपोजर रखने वाली नेता हैं। इस देश में सबसे ज्यादा मास अगर किसी के साथ है तो आदरणीय बहन जी के साथ है। और आज उन्होंने किन के साथ कहा, एक अलायंस बना आपको भ्रमित करने के लिए, एक दूसरा अलायंस बना उसकी टक्कर देने के लिए, और आदरणीय बहन जी ने उसी स्वभाव में आज भी बीएसपी के साथ चलते हुए, आज भी आपके स्वाभिमान से समझौता ना करते हुए क्या कहा कि ना हम इसके साथ जाएंगे और ना हम इसके साथ जाएंगे, हम वहां जाएंगे जहां जाने की लड़ाई बाबा साहेब अंबेडकर और माननीय कांचीराम साहब ने अपना जीवन संघर्ष करते हुए लड़ी थी, हम उस रास्ते पर जाएंगे, और हमारा मूल वही है, हम किसी को हटाने या किसी को बनाने के लिए नहीं, बहुजन समाज को राजनीतिक सत्ता और इस देश में सामाजिक परिवर्तन करने के लिए आए हैं, हम उसी रास्ते पर आए चलेंगे। और अगर किसी को यह बात समझ में आती है कि आज जयंती मनाते हो
माननीय साहब की आज जयंती है मना, और एक राजनीतिक पार्टी के तो लीडर, सर्वश्रेष्ठ लीडर, पहली पंक्ति के लीडर ने अपने मंच से कहा, जो नारा आपको आपके दिमाग से बाहर नहीं निकलता कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी भागीदारी। ये आपका नारा था और किसी के राष्ट्रीय पार्टी के मंच से बोला गया, जिन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर को कभी स्वीकार नहीं करा, जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर के लिए खिड़की दरवाजे बंद कर दिए थे, जिन्होंने माननीय साहब को स्वीकार नहीं करा, आज उस पार्टी की मजबूरी कौन बन गए? ये लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, यह लोग जो शैक्षिक रूप से कमजोर हैं, और यह लोग जो राजनीतिक रूप से मजबूत हैं, इन लोगों के बलबूते पर ऐसी परिस्थिति आई कि खिड़की और दरवाजे से बाहर करने वाली पार्टी के लोग कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी और उसकी उतनी हिस्सेदारी, और बहुजन समाज पार्टी का बनाया कैडर हंस रहा होता है कि आ गए, अरे अगर आना था तो पहले ही आ जाते, अब फिर लूटने आ गए, अब लूटने आ गए। अरे इसी संघर्ष को तो माननीय साहब हमारे बीच में गए, बाबा साहब हमारे बीच में गए। तुमने बाबा साहब को गोल मेज के बाद गद्दार कहा था, तुमने कहा था कि बाबा साहब ने आजादी को पीछे कर दिया, उस आजादी को पीछे कर दिया जिसमें लोग ये गुलामों के भी गुलाम बनते, उस आजादी को पीछे कर दिया। और उन्होंने किसके लिए मांगा था? उन्होंने इन लोगों के लिए मांगा था जो देश के 90% लोग हैं। आज बहन जी किसके लिए मांग रही है? उनके लिए मांग रही है जो देश के 90% लोग हैं। और आज आप उनके कह रहे हो कि आदरणीय बहन जी अगर अलायंस में नहीं आती तो इसकी टीम है, ए टीम है और बी टीम है। अरे आदरणीय बहन जी वो ए टीम है या बी टीम है जिन्होंने एक वोट के माध्यम से वर्तमान की परिस्थिति की सत्ताधारी पार्टी केंद्र सरकार को इस देश में पहले भी गिराया है, उस उन आदरणीय बहन जी के लिए आप ए टीम या बी टीम का प्रयोग कर रहे हो। हम भूल जाए ये अलग हो सकता है, उसकी पहली पंक्ति के माध्यम से आप पूछ लेना, उस पहली पंक्ति को टटोल के पूछ लेना कि उनके घाव भर गए हैं, वो घाव जो उनकी पहली पंक्ति के नेताओं में लगे हैं कि बीएसपी ने हमें गिराया था। और आज भी डर है, और कांग्रेस भी कह रही है, मैं ज्यादा किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, आज भी एक पार्टी राष्ट्रीय पार्टी दूसरी पार्टी को सीख दे रही है कि 3 जून 1995 को इन्हीं नेता ने, जिनको मानने वाले लोग इस देश में सर्व समाज से सबसे ज्यादा है, उन्हीं नेता ने 3 जून 1995 को पहली बार देश के सबसे बड़े राजनीतिक प्रदेश उत्तर प्रदेश में विधानसभा के तौर पर विधानसभा पर शपथ लेते हुए कहा था कि मैं कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेती हूं, 3 जून 1995 को कहा था। और उस ये डेट मैंने इसलिए याद दिलाई कि कई लोग महाराष्ट्र में भी मायूस से हो जाते हैं, ऐसे बैठते हैं जैसे किसी ने पीट के बिठा दिया हो, अपने देश में ऐसे बैठते हैं जैसे किसी ने पीट के बिठा दिया हो, और ये इनको ख्वाब दिखाए जा रहे हैं जैसे किसी और ने दिखाए, ऐसे हम दिखाए दे रहे हैं। आपके ख्वाब नहीं है, आपकी असलियत है जहां पर आज मौजूद हैं, अच्छे अच्छे कपड़ों में, अच्छी अच्छी डिग्रीज के साथ, अच्छी नौकरियों के साथ, अच्छी स्थिति के साथ आप आज यहां पर मौजूद हैं। ख्वाब नहीं है, ये असलियत है। आज आप यहां बैठे हैं और ऐसे मुंह चुप करके और बिल्कुल मायूसी की तरह, हौसला अंदर से जैसे डगमगाया गया हो ऐसे बैठे हैं। अरे खिलखिलाकर, मुस्कुराकर, जोशीले अंदाज में, हौसले के साथ पूरी सड़क पर चलते हुए अगर एक आदमी भी कह देगा कि बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, आदरणीय बहन जी जिंदाबाद, तो यकीनन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कश्मीर की चोटी पर जाकर आवाज लगा देना कि बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, आदरणीय बहन जी जिंदाबाद। केरला कर्नाटक बोलेगा कि आदरणीय बहन जी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। किस बात का आपको दर्द है, किस बात का दुख है? आप आज तक के इतिहास में सबसे बेहतरीन दौर में प्रवेश कर गए हैं, जब किसी दलित वर्ग से आने वाली अध्यक्ष के रूप में, किसी बहुजन समाज पार्टी के पास, बहुजन समाज के लिए काम करने वाली,
बहुजन समाज पार्टी ने इस देश में चैलेंज किया हो कि इस देश के गरीब भी अब प्रधानमंत्री बनेंगे, और वो लोग प्रधानमंत्री बनेंगे जिन लोगों के पास छोटा छोटा पर्चियों का सहयोग है। और पर्ची का उदाहरण मैं आपको इसलिए दे रहा हूं, थोड़े ही दिन पहले पूछा गया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए, उसके जो आंकड़े आए वो अचंभित करने वाले हैं। आपके पक्ष में इतना पैसा आया, किसी राष्ट्रीय पार्टी के लिए 6,000 करोड़, किसी के लिए 4,000 करोड़, और ऐसी पार्टियां रही जिन्हें रीजन से अलग कोई नहीं जानता, प्रदेश तो छोड़िए, किसी को 100 करोड़, किसी को 150 करोड़। और इस देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी मैं मानता हूं बहुजन समाज पार्टी को, क्योंकि इसमें दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, देश का सर्जन समाज का वह मेहनतकश भारतीय जो इस देश को विश्व गुरु बनाना चाहता है, उसका समर्पण है, उसका वोट है, उसका विश्वास है, इसलिए देश की पहले नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। और आधिकारिक रूप से देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। उस पार्टी को कितना चंदा दिया कि इतनी जीरो लगा दी गई, आगे का नंबर ही नहीं लगाया, मतलब हमने आगे को देखा और पीछे को देखा तो जीरो ही चमक रहा था, हमने सोचा कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, कहीं और देखा किसी और चैनल के आंकड़े में, किसी और उसमें, किसी और साइट पे, जो भी आंकड़ा आया उसमें क्या था, जीरो, जीरो। और जीरो होता भी क्यों नहीं, इन लोगों को तो जीरो ही समझते हैं, इन लोगों को तो वो जीरो ही समझते हैं, तो उनके आगे आंकड़े क्यों लगाए जाए, जीरो। और वो जीरो वाली पार्टी अगर मायूसी की तरह बैठेगी तो उम्मीद कौन पालेगा, कौन पालेगा उम्मीद, जो जीरो लेती है उद्योगपति से, और जो 5 रुपए की पर्ची, 10 की पर्ची, 50 की पर्ची, वर्तमान में 200 रुपए की पर्ची से 2,20,00,000 करोड़ वालों से टक्कर लेते हैं, वो लोग अगर चुप बैठेंगे तो दहाड़ेगा कौन, दहाड़ेगा कौन और बताएगा कौन कि हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, हम फूले शाहू अंबेडकर के अनुयायी, हम बाबा साहब को मानने वाले इस देश के बहुजन समाज के लोग हैं, कौन दहाड़ेगा। इसलिए महाराष्ट्र प्रदेश से एक शिकायत है मेरे अपने प्रदेश से मुझे कि वैचारिक राजधानी तो है, व्यवहारिक राजधानी भी ये महाराष्ट्र बनेगा। और कितनी व्यवहारिक राजधानी बनेगा, देखिए परिवर्तन संसार का नियम है, चेंज इज द रूल ऑफ नेचर, कोई भी हमेशा के लिए नहीं होता। इस कुदरत में एक प्रवृत्ति ऐसी होती है कि उसमें बदलाव निश्चित तौर पर आना होता है, हंसी है तो रोना भी पड़ता है, जवानी है तो बुढ़ापा भी है, दुख है तो सुख है, रात है तो दिन है। और यकीनन आपकी पार्टी हारी थी तो जीती भी थी, यकीनन आपकी पार्टी 63 लाई थी तो 204 भी लाई थी, आपकी पार्टी किस लाई थी तो जीरो भी लाई थी, और जीरो लाई थी तो 10 भी लाई थी, और 10 लाई थी तो देश में 400 पार किसी के हो ना हो यकीनन बहुजन समाज पार्टी के 400 पार होंगे। हौसला रखिए, हौसला रखिए, मंजिल के करीब हो इसलिए आपकी चर्चा हो रही है, वरना जो लोग चर्चा में नहीं होते उनकी चर्चा क्यों हो, वो महत्वपूर्ण क्यों है। अगर हम जीरो हैं ही तो हमारी पार्टी की चर्चा क्यों बची कि ये इधर क्यों नहीं जा रहे, उधर क्यों नहीं जा रहे। अगर हम जीरो हैं ही तो बहुजन समाज पार्टी को अगर अलग रख दिया जाए, और बाबा साहब अब भीमराव अंबेडकर जिनको कहा गया कि इनको हम खिड़की और दरवाजों में भी इनको नहीं घुसने देंगे, क्यों ऐसा जियो आपने पास किया। एक गवर्नमेंट ऑर्डर पास होता है कि देश के हर कार्यालय में बाबा साहेब अंबेडकर के पुतले, वो देश के हर कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में बाबा साहेब अंबेडकर के तस्वीर लगाई जाएगी। हमने कब कहा था आप इनकी तस्वीर लगाओ जिन्होंने आपकी आजादी पीछे करी थी, हमने तो तस्वीरें नहीं लगाई जिन्होंने हमें पीछे करा था, हमने तो हमेशा रिजेक्शन करा, आपने क्यों उनकी तस्वीरें लगाई, क्योंकि आपको भी पता है अगर देश में प्रधानमंत्री बना, इस देश के सबसे बड़े राजनीतिक प्रदेश में कोई
मुख्यमंत्री बना, यहाँ भी कोई मुख्यमंत्री बनता है तो टटोल लीजिए उनका पारिवारिक इतिहास, वो भी किसी राजा के बेटे नहीं थे, वो भी अगर देश के प्रधानमंत्री बने, देश के सबसे बड़े राजनीतिक प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो किसकी बदौलत बने, देश के संविधान निर्माता द्वारा दिए गए देश के संविधान की बदौलत वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बने। मैं एक बात और आपके पास जोड़ना चाहता हूं, ये वही प्रदेश है इसलिए जोड़ रहा हूं, ये वही जिला है, सिर्फ दो मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, ये वही जिला है पुणे जिला जहां पर पूना पैक्ट हुआ, ये बात मैंने इसलिए जोड़ी। पूना पैक्ट हुआ यहीं की जेल में हुआ, कोई यहीं अलविदा कह रहा था और बाबा साहब ने उन्हें जीवन दिया और इस तौर पर दिया कि ठीक है ये तो सत्य है, सत्य को परेशान किया जा सकता है पराजित नहीं किया जा सकता है, दे रहेंगे महात्मा जी लेकिन दुरुस्त आएंगे, पर ये देश के बहुजन आएंगे। पूना फैक्ट पे साइन करते हुए थोड़ा सा मायूस हुए होंगे, थोड़ा सा तकलीफ हुई होगी कि वो चीज जो मैं देना चाह रहा हूं दो वोट का अधिकार वो नहीं दे पा रहा हूं, एक वोट का अधिकार था कि सबके लिए वोट होगी, दूसरे वोट का अधिकार था कि ये लोग आने वाले समय में आपके पिछलग्गू के तौर पर कैंडिडेट ना बन जाएं, इसलिए इनका मत इनके कैंडिडेट के लिए अलग से दिया जाना चाहिए, इस बात की लड़ाई थी जिसके वजह से यहां पर पूना पैक्ट और यरबदा जेल में सारी चीजें घटना हुई। वो सेपरेट इलेक्टोरेट जो कहलाया, जो पूरी तरह से बाबा साहब चाहते थे वह नहीं हो पाया। फक्र कीजिए बहुजन समाज पार्टी के तौर पर वो जिंदा है, मैं बताता हूं कैसे, वो सेपरेट इलेक्टोरेट जिंदा है, उसके बदले आरक्षण आया था ना, छोड़िए उन्होंने कितना लागू करा कितना लागू नहीं करा, वो सेपरेट इलेक्टोरेट आज भी जिंदा है। जब बहुजन समाज पार्टी के बीच में एक लाइन जोड़ देता हूं, जिस सरकार को इतना बड़ा दिखाया जा रहा है, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं और उत्तर प्रदेश की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैं वहां से आया, उत्तर प्रदेश की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि किसी को वहां इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट आती है, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट आती है और प्रधानमंत्री लगभग वहीं से मतलब उस प्रदेश को नजरअंदाज करे बिना नहीं बन पाता है, उसके सहयोग से बनता है, 80 लोकसभा सीट इतनी होती है। आप गुजरात से कुछ भी रहे हो, 3 बार के रहे हो, हमारी बहन जी तो 4 बार रही और उसमें 4 गुजरात बन जाए, इतनी उसकी कैपेसिटी है, इतनी उसकी स्ट्रेंथ है लोकसभा की। उनकी दावेदारी हम करते हैं कि हमारी नेता को मौका मिलना चाहिए। उस उत्तर प्रदेश में आप गए, उसमें चुनाव भी लड़े, उस उत्तर प्रदेश में जब आप चुनाव लड़ते हैं तो 2014 में आपकी एंट्री होती है, ध्यान दीजिएगा 2014 में आपकी पार्टी के किसी भी कारणवश इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया पूरा देश जानता है, इसका भी सबके सामने आएगा। लेकिन 2014 में इस पार्टी के कितने सांसद आए 80 में से, 73 आउट ऑफ 80। यहां से आप थोड़ा चुप होना शुरू हो गए थे, इसलिए मैं कह रहा हूं मंजिल के करीब हो, चुप किया जा रहा है, चुप मत हो, हंसो खिलखिलाओ पूरे जोश से होश से कहो बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। 2014 में आप 0 हुए, ये 73 हुए और ठीक एक चुनाव पहले 2009 ठीक एक चुनाव पहले वही पार्टी जो आज जिससे आप चुप बैठ जाते हैं और डरते हैं, उस पार्टी के एमपी पता है कितने थे, 9 और आपके पता है एमपी कितने थे, 21। ठीक एक चुनाव पहले आप 21 थे वो 9 थे और ठीक एक चुनाव बाद आप 0 थे और वो 73 थे। जो भी घटनाएं हुई वो सब खुलेंगी, सब आए थे सब गए, 50 साल वाले भी गए, माननीय साहब ने कहा था पहले वो आएगी जिसे सापनाथ कहा था, फिर वो आएगी जिसे नागनाथ कहा था और फिर वो आएगी जिसने कहा था कि ना इनके साथ जाएंगे ना इनके साथ जाएंगे, आदरणीय भैरव जी के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी आएगी और टिके रहना।
गया ना, यकीनन आएंगी, वही आएंगी और उसी स्वभाव के साथ आएंगी जिस स्वभाव के साथ संसद को छोड़ा था कि अगर मैं अपने हक अधिकार अपने समाज की बात नहीं कर सकती तो इस संसद में रहने का कोई मेरा वो नहीं है। बीच की गैलरी होगी, आपकी नेता होंगी, इधर ये होंगे उधर वो होंगे और बीच में आपके मेंबर स्वागत कर रहे होंगे जब आदरणीय बहन जी की एंट्री हो रही होगी। और इस देश में ये बताया जा रहा होगा कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। ये वे लोग हैं जिन्होंने तलवारें चलाना सीखा हो या ना सीखा हो, बाबा साहेब की बदौलत कलम से आए थे, 3 जून 1995 में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ की थी और कांग्रेस ने यह बता दिया था कि हमने इन नेता को जिन्हें मानते हैं इनकी नेता बहन जी को एक बार यूपी दे दिया था, तुम गलती से भी भारत मत दे देना। एक बार यूपी दे दिया था तो यूपी में हम नहीं आए, इन्हें भारत मत दे देना, तुम कभी नहीं आओगे। आएगा तो कौन आएगा, देश का वो गरीब आएगा जिसके कपड़ों में से तुम्हें बू आती है, जो महिला के सम्मान के तौर पर इस देश में हर बार लूटा जाता है, जो देश के जवान के तौर पर अपनी देश की रक्षा करते हुए मर जाता है, जो देश के नौजवान के तौर पर अपना रोजगार मांगता है। आएगा तो आएगा, वह आएगा, इनको वापस ये कुर्सी या जगह मत दे देना। मेरे साथियों, मैं इतने बुद्धिमान वर्ग के सामने बोल रहा हूं और मुझे फक्र होता है मैं महाराष्ट्र प्रदेश में बोल रहा हूं, ये मेरा प्रदेश है, मेरा भारत है, मैं भी किसी जगह से नहीं हूं, मैं भी भारत देश में हूं। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम पंजाब से निकलते हैं तो पांची राम साहब की तरह बहुजन समाज पार्टी का निर्माण करते हैं और अगर महाराष्ट्र से निकलते हैं तो संविधान के तौर पर इस भारतीय संविधान का निर्माण करते हैं। इसलिए हम आदरणीय बहन जी के रूप में उत्तर प्रदेश से निकले तो इस देश की बहुजन समाज पार्टी का पहली पार्टी बनने का निर्माण हम कर चुके हैं और यकीनन हम उसमें सफल होंगे। ये ना पूछो हमारी मंजिल कहाँ है, अभी सफर का इरादा किया है, अपने से वादा करना अपने से। ये ना पूछो हमारी मंजिल कहाँ है, अभी सफर का इरादा किया है, हौसला ना हारेंगे उम्र भर, हमने किसी से नहीं खुद से वादा किया है, खुद से वादा किया है। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज पार्टी। भाइयों ये पक्ष बदल दो, पक्ष बदल दो, पक्ष बदल।
की सत्ता।